सोच रहे हो? मुझे लेकर भाग चलो यहाँ से। जरूर भाग चलता, अगर बात सिर्फ तुम्हें ले जाने की होती। लेकिन अब जब तक मैं अपने और अपने पिछले जन्म के परिवार के कातिल को मार ना दूं, तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। कब तक भागेगा बेटा? देखा देखा तुझे ढूंढ ही निकाला ना। हे हे, मारो इसको। हिंदुस्तान की संतान है हम, शेर सा रुतबा रखते हैं तो जैसे पाकिस्तानी को अपने पैर के नीचे रखते हैं। अरे यार, ढेर उछल मत, ज्यादा उछल कूद कर बेटा तो के मार के तोहरे जमीनी में दफन कर दे। बाकी ना, पाकिस्तानी ही सही हो तो मेरे चाचा ससुर ही, और ससुर पर हाथ उठाना हिंदुस्तानियों के संस्कारों के खिलाफ है। हमारा टारगेट तू लोग नहीं खा, हमारा टारगेट के हुआ उर्वा, बीच में मत आवा लोग। रोको इसको, यहाँ से जाने मत दो, गोलियों से भून दो इसको।
भाग जल्दी। दुर्जन भाग। यस सर। क्या चेम? ओके सर। अब ले चलो। कहते हैं ना, अंधेरे के बाद उजाला होता है। यहां से भागेगा तू? यहां से निकलना तो दूर, अब तो तेरा जनाजा भी पाकिस्तान से नहीं निकलेगा। यही दफना दूंगा तुझे। हम वो सिकंजा है जो कोई कस नहीं सकता, हमारे मुल्क की सरहदों को कोई डस नहीं सकता। अगर है हिम्मत किसी में तो टकरा जाए हमसे, कसम हिंदुस्तान की वो जिंदा बच नहीं सकता। हम वो आदमखोर शिकारी हैं जिसका भी शिकार करते हैं वो बच नहीं पाता। कश्मीर तो हमारा है ही, तेरी जान लेने के बाद तेरा हिंदुस्तान भी लेने वाले हैं हम लोग। गीले चावल में थोड़ी शक्कर क्या गिरी, तुम भिखारी उसे खीर समझ बैठे। चंद कुत्तों ने पाकिस्तान जिंदाबाद क्या बोला, तुम कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। जागीर तो तेरे मुल्क वाले हम लोगों से मांगेंगे, जब जंग जीत के हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे। सूरत से जंग जीतने निकले हो बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के हो, पिघल के बह जाओगे। तुम पाकिस्तानी हम हिंदुस्तानियों से किस मामले में मुकाबला करते हो? जितना बारूद तुम्हारे देश में है उतना बारूद तो हमारे लोग दिवाली की रात जला देते हैं। लश्कर की सेना में जितने दाढ़ी वाले हैं उससे कई ज्यादा हमारे हरिद्वार में कंठी माला वाले हैं। तुम पाकिस्तानी जितना खाते हो उससे कई ज्यादा तो हमारे यूपी बिहार वाले खैनी खा के थूक देते हैं। अरे जितनी तुम्हारी पाकिस्तान की जनसंख्या है उतने तो हमारे हिंदुस्तान के जेल में कैदी हैं। अगर कैदियों को बोल दिया जाए कि सजा माफ, तो सुबह होते होते पूरा पाकिस्तान साफ, पाकिस्तान साफ, पाकिस्तान साफ। शर्म आती है तुम लोगों की सोच पर। दोनों देशों को एक साथ आजादी मिली, एक मंगल तक पहुंच गया और दूसरा आज भी भारत में घुसने की तरकीबें सोच रहा। चुप, अपनी बात तो छोड़। तेरे साथ साथ तेरे सामने हिंदुस्तान की शान, इस तिरंगे को जमीन पर फेंक कर अपने पैरों तले रौंदूंगा। गलतफहमी का शिकार है तू, ये हिंदुस्तान का झंडा है, ये मेरा तिरंगा है, ये ना कभी किसी के सामने झुका है और ना ही कभी झुकेगा। यकीन ना हो तो आजमा के देख ले, अगर ये झुक गया तो ये सूर्य तेरे कदमों में झुक जाएगा। अच्छा तो फिर मेरे कदमों में झुकने के लिए तैयार हो जा। Thank you.
click on the bell icon to get regular updates from Venus.